तो बहुतों ने पूछा कि ये वाला टेक्स्ट इफेक्ट कैसा करते हैं कैसा करते हैं, तो आज अपन वो बताएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले कोई भी अगर थंबनेल का तुम लोग को टेक्स्ट पसंद आता है ना, सो जस्ट ओपन दैट थंबनेल और उसका जो लिंक है ना कॉपी करो, यूट्यूब थंबनेल डाउनलोडर यहाँ पे पेस्ट करो, गेट थंबनेल करो एंड सेव दिस, देन मूव टू व्हाट द फॉन्ट। ये देखो ये एक वेबसाइट है व्हाट द फॉन्ट करके, तो जस्ट ड्रैग दिस एंड ड्रॉप इट ओवर हियर, यहाँ पे क्लिक करो, आइडेंटिफाई फॉन्ट पे क्लिक करो एंड यहाँ पे सारे रिलेटेड फॉन्ट्स तुम्हें दिख जाएंगे। यहाँ पे फर्स्ट वाला जो है वैनगार्ड एक्स्ट्रा बोल्ड, ये मैं डालूंगा यहाँ पे, वैनगार्ड विल सर्च फॉर द डाउनलोड बटन, यहाँ पे अपन डाउनलोड करेंगे उसको एंड फटाक से इसको डबल क्लिक करके इंस्टॉल करेंगे। नाउ विल गो टू पिक्चर्स, ये वाला अच्छा है राइट सबसे। नाउ लेट्स सिलेक्ट एवरीथिंग, मैं सिलेक्ट सब्जेक्ट पे क्लिक कर दिया बराबर, अल्ट बैक अल्ट दबा के यहाँ पे ये जो एक्स्ट्रा पार्ट है ये अपन हटा देंगे और एक्स्ट्रा पार्ट सिलेक्ट करने के लिए शिफ्ट दबा के रखेंगे एंड विल सिलेक्ट एवरीथिंग, व्हेन वी आर सेटिस्फाइड विल हिट मास्क। मास्क दबाते साथ मुझे समझ रहा है यहाँ पे सिलेक्शन मैंने अच्छे से नहीं किया, तो मैं कंट्रोल जेड दबा के वापस करूंगा। वाओ दिस लुक्स क्लीन, आई कॉपी दिस, आई पेस्ट इट ओवर हियर इन द बैकग्राउंड, आई स्केल दिस अप लाइक दिस, इसको बैकग्राउंड में रखेंगे अपन। आई ट्राई टू चेंज द टी शर्ट का कलर, टी शर्ट का कलर चेंज करने के लिए सिंपली अपन क्विक सिलेक्शन टूल से सिलेक्ट कर लेंगे अपने टी शर्ट को, जूम इन करके अच्छे से देख लो टी शर्ट सिलेक्ट हुआ है क्या। Once we are done with the selection, we'll hit Ctrl J on the keyboard. Ctrl J दबाने से ये देखो दूसरा लेयर में वो कन्वर्ट हो गया है, जो ऊपर वाला लेयर है अपना एडजस्टमेंट में जाके उसके ऊपर ह्यू के ऊपर क्लिक करेंगे यहाँ पे एंड देन अपन इसको करेंगे क्लिपिंग मास्क, फिर कलराइज पे क्लिक करके इसका लाइटनेस कम करेंगे एंड देन विल अप्लाई शिम। सबसे पहले मैं बैकग्राउंड के ऊपर एक नया लेयर बना के कोई भी एक ब्राइट कलर का मैं एक स्प्लैश दे देता हूँ, इसका अपन ये करेंगे लीनियर डॉच ब्लेंडिंग मोड। तो सबसे पहले मैं लिखूंगा मेजर और मेजर को मैं स्केल अप करूंगा, स्केल अप करने के बाद उसको कंट्रोल दबा के टिल्ट करूंगा, ठीक है इसको स्केल अप करूंगा एंड यहाँ पे लिखूंगा गेम प्ले। नाउ आई विल मेक श्योर कि मेजर और गेम प्ले ये जो है ना ये एक रेक्टेंगल जैसा फॉर्म हो, लाइक लुक एट दिस। नाउ मैं दोनों लेयर का सिलेक्ट करके मैं इनको स्केल अप करूंगा और ऐसे प्लेस करूंगा अच्छे से जहां पे मेरे को जरूरत है। वंस आई एम डन विद द प्लेसमेंट, नाउ विल मूव अहेड टू द टेक्सचरिंग पार्ट। सबसे पहले अपन जाएंगे यहाँ पे, राइट क्लिक करेंगे, ग्रेडियंट मैप पे क्लिक करेंगे एंड क्लिपिंग मास्क पे क्लिक करेंगे, यू हैव टू डबल क्लिक ओवर हियर, देन यहाँ से अपन एक में येलो एक में ऑरेंज ऐसा करके अपने को भरना है एंड विल हिट ओके। यहाँ पे अपन कोई भी सा टेक्सचर लेंगे, जैसे यहाँ पे कॉपी करेंगे इसको और ये मेजर जो लिखा है ना इसके ऊपर पेस्ट करेंगे कंट्रोल वी। नाउ मेक श्योर कि ये सारे लेयर्स मेजर के ऊपर वाले, ये टेक्सचर भी ग्रेडियंट मैप्स भी, ये सारे क्लिपिंग मास्क है। क्लिपिंग मास्क कैसे करते हैं, अल्ट दबाना है, ये दो लेयर के बीच में क्लिक करना है, क्लिक करना है ऐसा। तो वो टेक्सचर को तुम स्केल अप कर सकते हो, स्केल डाउन कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। ये एकदम सटल चाहिए मेरे को, मेरे को इसमें एकदम झकझुक झकझुक नहीं चाहिए, तो मैं लेकिन मेरे को व्हाइट वाला फील चाहिए फिर भी ज्यादा, तो मैं व्हाइट वाले इसको मैं ऊपर लेके आऊंगा एंड एवरीथिंग स्टेज देयर, ठीक है। गेम प्ले वाला लेयर और मेजर वाला लेयर ये दोनों को कंट्रोल जी करके ग्रुप में लेके आएंगे, तो ये देखो मैं ग्रुप में आ गया है वो अभी, तो अभी मैं ग्रुप में कंट्रोल टी करके सभी को ऐसा स्केल अप भी कर सकता हूँ। डबल क्लिक ऑन दिस, एड अ ड्रॉप शेडो, ड्रॉप शेडो पे क्लिक करेंगे अपन एंड मेजर मतलब मोस्ट ऑफ द जन क्या करते हैं, डबल क्लिक ड्रॉप शेडो एंड दे डू दिस, ऐसा साइज बढ़ा देते हैं उसका, कीप इट लाइक दिस। मेरे को प्रेफरेबल है कि एक साइड पे रहे, तो मैं एक साइड पे रखता हूं उसको। आई कॉपी दिस, आई पेस्ट दिस ओवर हियर एंड आई चेंज द ब्लेंडिंग मोड टू कलर डॉच या लीनियर डॉच। आई फील कि मेरे को यहां पे ना क्लाउड्स भी डालने चाहिए, तो मैं थोड़े क्लाउड्स भी डाल देता हूं।